गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन आर क्लास। उन्हें आपका एक बार क्लास में स्वागत है। देखिए, घर बैठे बैठे भी आपका स्वागत हो रहा है और इसलिए हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि जो ये क्लासेस शुरू हुई हैं, इन क्लासों को आप सिंसियरिटी से अटेंड कीजिए और जो आपकी अन्य फ्रेंड्स हैं जो अभी तक ग्रुप्स में ऐड नहीं हो पाई हैं, उनको भी आप ये कहिए कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और यदि किसी वजह से वो ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हैं तो उनको भी इनके बारे में बता दीजिए। एंड इन दिस क्लास वी आर सीइंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अर्लियर वी सॉ सिक्स पार्ट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन वेरी फर्स्ट क्लास वी सॉ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सेकेंड क्लास वी सॉ दैट देर आर 22 पार्ट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर आर 395 आर्टिकल्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड देर आर 12 शेड्यूल इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ये हमने देखा था। एंड वी सॉ दैट इन फर्स्ट पार्ट इट्स कंसर्निंग अबाउट भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र, इंडियन यूनियन एंड स्टेट्स एरिया। इन सेकेंड पार्ट वी सॉ अबाउट इंडियन सिटीजनशिप। इन थर्ड पार्ट वी सॉ अबाउट फंडामेंटल राइट। इन फोर्थ पार्ट वी सॉ अबाउट स्टेट टेरिटरी प्रिंसिपल्स एंड इन फिफ्थ पार्ट इट इज ए वेरी बिग पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कैन से इट इज ए बिगेस्ट पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ पार्ट वी सॉ अबाउट यूनियन गवर्नमेंट एंड इन सिक्स पार्ट वी सॉ अबाउट स्टेट गवर्नमेंट्स। हमने अब तक 6 भागों के बारे में देखा है और ये ही भाग काफ़ी डिटेल में थे। अब जो हम आगे जो भाग देखने जा रहे हैं उनमें इतना डिटेल नहीं है। जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे हैं संविधान का 7वां पार्ट 7, इसके आगे लिखा हुआ है निरसित और कैंसिल, इसमें है आर्टिकल 238। देखिए, भारतीय संविधान की एक परंपरा है कि अगर भारतीय संविधान में से किसी आर्टिकल को हटाना है तो उसके आगे लिख देते हैं डिलीट, उसको निरसित कर देते, लेकिन जो आर्टिकल का नंबर है उसे चेंज नहीं करते, उसका नंबर एज इट इज बना रहता है। उसी प्रकार से यदि कोई बात ऐड करनी है तो वो ऐड की जाती है पुराने आर्टिकल्स में, के के गे या ए बी सी ए बे से, इस प्रकार से जो आर्टिकल कोई ऐड करना है वो भी पुराने आर्टिकल में ही उनका सब आर्टिकल बना दिया जाता है। और यदि कोई आर्टिकल को वहाँ से हटाना है उसका जो फिगर है, नंबर है, वो जो का क्यों बना रहता है। तो जो इस समय आर्टिकल 7 है उसको आप ये कह सकते हैं कि वो इस समय वेकेंट है, खाली है, इसमें जिन बातों का उल्लेख कर दिया गया था उसे डिलीट कर दिया गया है, उसे निरसित कर दिया गया है। उसके बाद है पार्ट 8 और जो पार्ट 8 है उसमें उल्लेख किया गया है संघ राज्य क्षेत्रों का, जो हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था का संचालन होगा, उसका उल्लेख आर्टिकल 239 से 242 में किया गया है। उसके बाद है पार्ट 9। इन 9th पार्ट इच वाज आल्सो डिलीटेड, ये जो 9वां भाग है ये भी क्या है, डिलीट कर दिया गया था 1993 में 1993 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ 73rd अमेंडमेंट,
क्योंकि तब ये पार्ट खाली था। इस पार्ट में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा उल्लेख किया गया पंचायतों का, और पंचायतों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 243 के में। देखिए हमारे देश में जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है जिलों में तो होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो गांवों में होती हैं पंचायतें, उनका उल्लेख हमारे संविधान के 9वें भाग में किया गया है। इन 9th पार्ट देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ पंचायतें एंड इन 9th कैप देयर डिस्क्रिप्शन अबाउट म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पालिकाएं, और आर्टिकल है 243 तय से लेके ये और 6 तक। एंड इट वाज आल्सो एडेड इन 1994 और 1993-94 में संविधान में संशोधन हुआ, और संशोधन के द्वारा जो ये पंचायतों और नगर पालिकाओं को क्या दिया गया, हमारे संविधान में स्थान दिया गया। 1993 में ही 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। उसके बाद है पार्ट 10th, ये है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र SC एंड ST एरिया, जो हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके क्षेत्रों और उनके क्लासिफिकेशन का उल्लेख संविधान के 10वें भाग में आर्टिकल 244 में किया गया है। उसके बाद है संविधान का 11वां भाग। 11वां भाग जो है वो है केंद्र राज्य के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंध, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आपको पता है कि देश में केंद्रीय सरकार है और एक राज्य सरकार है। केंद्रीय सरकार भी प्रशासन व्यवस्था का संचालन करती है, केंद्रीय सरकार भी कानून बनाती है, तो किन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, कैसा प्रशासन केंद्र का होगा, कैसा राज्य का होगा, इसका उल्लेख संविधान के 11वें भाग में आर्टिकल 245 से 263 के बीच में किया गया है। इन 11th पार्ट देयर इज रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अबाउट लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। उसके बाद है संविधान का 12वां भाग। इन 12th पार्ट देयर इज रिलेशन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 12वें भाग में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है, और इसमें जो टोटल आर्टिकल है वो है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300 तक। तो 11वें और 12वें भाग में केंद्र व राज्य के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। इन 11th एंड 12th पार्ट देयर रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अबाउट लेजिस्लेटिव, अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अबाउट फाइनेंशियल। उसके बाद जो संविधान का 13वां भाग है उसमें उल्लेख किया गया है भारत के राज्य क्षेत्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों के बीच भी आपस में क्या होता है, व्यापार होता है, आपस में वाणिज्य होता है, और एक समागम, एक कोऑर्डिनेशन बैठाने का प्रयास किया जाता है। इन 13 पार्ट देयर रिलेशन इन अवर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन एंड देयर आर्टिकल्स आर आर्टिकल 301 to 307, 301 से लेके 307 तक इसमें आर्टिकल हैं, और इसमें जो हर राज्यों के बीच में वाणिज्य संबंधों का समागम है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। कॉमर्स रिलेशन बिटवीन अवर स्टेट्स टुक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने उस समय विभिन्न संविधानों को एकत्रित किया। दे कलेक्टेड ऑल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स वाज रनिंग दैट टाइम, उन संविधानों को एकत्रित किया, और जहाँ जहाँ से
जो जो बातें सुटेबल लगी, अच्छी लगी हमारे देश के हिसाब से, उन्हें हमारे संविधान में ग्रहण कर लिया गया। तो आज हमने पार्ट 7 से लेके पार्ट 13 तक जो विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रोविजंस हैं, उनके बारे में देखा है। अब कई बार आपको ये लग रहा होगा कि ये काफ़ी पार्ट हैं, काफ़ी आर्टिकल हैं, इन्हें किस तरीके से याद किया जाए। तो जब ये पार्ट कंप्लीट होंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब हम एक दो या तीन बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से ये पार्ट हमें याद भी हो जाएंगे। और जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक आपसे रिलेटेड हैं, जो टॉपिक आपके सब्जेक्ट में हैं, केवल उन्हीं आर्टिकल्स को याद करना है। ये जो आपको विस्तृत रूप में संविधान बताया जा रहा है, ये एक तरह से इंट्रो है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, जस्ट एक आपको बाह्य रूप में बताने का एक प्रयास किया जा रहा है। जो आपके सिलेबस में आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स आपको टॉपिक के हिसाब से ही याद बाद में करवाए जाएंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें आर्टिकल्स ज़्यादा हैं या पार्ट ज़्यादा हैं, बल्कि जब आप ये पढ़ोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जिस देश के नागरिक हैं, जो हमारे देश में सरकार जिस संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, उस संविधान के बारे में हमें विस्तृत नॉलेज है, हमें काफ़ी डिटेल में पता है। तो आप घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और घर में अपने बड़ों का, अपने छोटों का सहयोग करते रहिए। प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक अपने घर में रहिए, और जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को अपने मन से, पहले अपने मन से दूर भगाइए, और हमेशा ये कहिए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और थोड़े टाइम के बाद और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच।